19 मई को गोरखपुर में होने वाले सातवें व अंतिम चरण में होने वाले चुनाव में अधिक से अधिक लोग मतदान करने के लिए अपने घरों से निकलें और अपने मत अधिकार का प्रयोग करें, जिसके लिए गोरखपुर न्यूज़ मतदाताओं को जागरूक करने के साथ नागरिकों के माध्यम से लोगों को अधिक से अधिक वोट करने के लिए कार्यक्रम की जन जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है। हम गोरखपुर न्यूज़ और स्वीप की है मनुहार, हम मतदान जरूर करेंगे इस बार के स्लोगन के साथ मतदाता जागरूकता कैंपेन की टीम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के सेंट्रल लाइब्रेरी पहुंची। गोरखपुर न्यूज और स्वीप के इस कार्यक्रम में गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने शपथ लेकर सभी वर्गों के लोगों से अधिक वोट करने की अपील किया। हम भारत के नागरिक दीपक कुमार जायसवाल। सर, वोटिंग के लिए जैसा कि संविधान ने हमें अधिकार भी दिया और हमारा कर्तव्य भी है वोटिंग करना, इसलिए हम सभी से अपील करना चाहेंगे कि सब लोग, मतलब मैक्सिमम लोग आएँ वोट करें, ताकि वोटिंग का जो परसेंटेज आज देखा जा रहा है कि 50-60% हो रहा है, लेकिन हमको इसको 75-80 तक ले जाना है। और जैसा कि इस क्षेत्र में विकास करने के लिए हमको वोटिंग करना अधिकार है, और इस अधिकार के प्रयोग करते ही हम लोग विकास के लिए अपने मतलब प्रतिनिधियों को चुन सकते हैं। दीपशिखा शर्मा यही करना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग घर से अपने बाहर जाके वोटिंग करें, और ये ना सोचें कि आज छुट्टी है तो हम छुट्टी मनाएंगे दिन भर, वो अपना जाके अपने वोटिंग के राइट का अपना प्रयोग करें और वोट करें। नरेंद्र नाथ, विधि छात्र, गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर। आप वोटिंग के लिए वही पहले करेंगे कि जो हमारा अधिकार है वोटिंग के राइट के लिए, उसको हम सभी नागरिकों को समझना चाहिए और उसके वोटिंग के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, और हम भी वोटिंग करेंगे और सब भी वोटिंग के लिए मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो, यही कहना चाहेंगे। विनीता सिंह, 19 को वोटिंग है, आप लोग जरूर जाएं वोट करें, और ये हमारा विधिक अधिकार है, इसका प्रयोग करें, लोकतंत्र के उत्सव में अपनी सहभागिता दर्शाएं। धन्यवाद। पवन कुमार को मतदान है और हम सब में ज़्यादा युवा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँच करके वोट करें, और जब वोट करेंगे तभी इस देश में बदलाव होगा। अधिक से अधिक संख्या में जब वोट करेंगे तभी एक अच्छे शासन और प्रशासन की व्यवस्था हो पाएगी, जिससे एक अच्छी सरकार आ पाएगी, और जब सरकार आएगी तो हमारे लिए सारी व्यवस्था सारी सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए हमारे लिए काम करेंगी।